पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं असेम्प्टोट, ठीक है ना दोस्तों। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिससे आपका जो है इस थ्योरी के साथ में आपका क्या है कि क्वेश्चंस के थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप होती रहे, ठीक है। तो असेम्प्टोट होता क्या है? तो असेम्प्टोट जो होता है हिंदी में इसका जो मीनिंग है उससे आपको एक ही बार में आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी, समझ में आ गया होगा अनंत स्पर्शी के नाम से, है ना। तो अब ये होता क्या है, देखो अन असेम्प्टोट इज अ लाइन दैट अ कर्व अप्रोचेज एज इट हेड्स टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, देखो असेम्प्टोट क्या है, अनंत स्पर्शी है, मतलब एक तो होता है टेंजेंट जो हमारे आंखों के सामने, अगर हमने कोई इस तरह से कर्व लिया और इस पर मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन एक ऐसा टेंजेंट, असेम्प्टोट क्या है, एक टेंजेंट ही है, लेकिन एक ऐसा टेंजेंट जो क्या है कि अनंत पर स्पर्श करे, जो किसी कर्व को ना तो काटे और ना ही टच करता वो हमको दिखे, बट जो कर रहा है वो एंड में ऐसा प्रतीत हो कि ये लास्ट में जाके इस कर्व को क्या करेगा, टच करेगा, तो टेंजेंट मतलब जो होगी वो लास्ट में जाकर हो ही जाएगा। तो वो जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस कर्व की लाइन को जो होगा टेंजेंट जो होगी, उस कर्व की जो टेंजेंट होगी इन्फिनिटी पे, उसी को क्या बोला जाता है, असेम्प्टोट्स बोला जाता है। पहला माइंड में ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि असेम्प्टोट्स होता क्या है, ठीक है ना। अब देखो इसका किस तरीके से इसका मीनिंग है। अब ऑब्वियसली बात क्या होगी कि ये टेंजेंट है तो इट इज़ द लाइन ऑफ इक्वेशन, क्या होगी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ऑब्वियसली ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी इक्वेशन, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये इट इज़ अ टेंजेंट, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट, ठीक है ना। इसके बाद में अब असेम्प्टोट क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया एक तरीके से। अब देखो किस तरीके से होता है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर क्या है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक ऐसी लाइन हुज डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व अप्रोचेस जीरो, मतलब ऐसी लाइन, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक ऐसी लाइन जिसकी वजह से डिफरेंस जो होगा उस लाइन और कर्व के बीच में वो क्या हो जाएगा, जीरो अप्रोच करेगा, कब, एज एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी और वाई टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। जब एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो या वाई टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, तब वो जो स्ट्रेट लाइन होगी उस लाइन की वजह से डिफरेंस ऑफ द लाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व अप्रोच इज जीरो, ऐसा लगे कि वो उनके जो डिस्टेंस है उनके बीच में क्या हो जाएगी, जीरो होती हुई दिखे, तो उसी चीज़ को, उस लाइन को क्या बोला जाता है, असेम्प्टोट्स बोला जाता है। देखो किस तरीके से, मान के चलो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कोई मतलब हमारे पास मतलब इस तरीके से है। अब देखो ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये कौन सी है, वाई एक्सेस है। अगर और किसी कर्व की इक्वेशन इस तरीके से है, मान के चलो ये ले लो इस तरीके से, ये क्या है, ये टेंजेंट ले रहा हूँ, इसको टेंजेंट मतलब कुछ भी ले लो, जैसे ये क्या है, एक्स एक्सेस के क्या है, पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू ए होगी, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक कर्व की इक्वेशन बनाऊँ, देखो इस तरीके से, अगर देखो इस तरीके से अगर ये कर्व की इक्वेशन है, तो आप देख रहे हो कि अगर कर्व की इक्वेशन इस तरीके से है तो ये जो टेंजेंट है वो इसको टच करेगा कहीं एंड में जाके, इन्फिनिटी पे जाके, और टच कैसे, किस तरीके से करता हुआ प्रतीत होता है, उराइए हॉरिजॉन्टली, किस तरीके से, हॉरिजॉन्टली। तो ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, अगर इस कर्व को टच करती है एंड पे जाके और वो भी हॉरिजॉन्टली, तो उसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल असेम्प्टोट, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल असेम्प्टोट। अगर अगर इस तरीके से क्या है, वर्टिकल लाइन है, इस तरीके से वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, और कुछ भी इसका नाम हो सकता है, वर्टिकल लाइन है तो,
और इस तरीके से कुछ कर्व की इक्वेशन दी हुई हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो इधर क्या था, x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा था, इधर y टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से कुछ हो जिसमें वर्टिकल अगर टेंजेंट हो, वर्टिकल टेंजेंट उस कर्व को क्या करे, स्पर्श करे एंड में जाके, इन्फिनिटी पे जाके, तो इसी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्टिकल असिम्प्टोट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल असिम्प्टोट बोला जाता है। इसके बाद में अगर मान के चलो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक थर्ड इधर बता देता हूँ उसको, अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है इस तरीके से, यानी कि ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी, ठीक है ना। अगर ये इस तरीके से कोई लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एंड x गोज टू इन्फिनिटी, देन द कर्व गोज टूवर्ड्स द y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मीनिंग अगर x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इस तरीके से कोई कर्व जाता है इस तरीके से एंड में, ये तो मैंने ऊपर ले गया, तो आप तो ये समझ के रखना जैसे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। As x goes to infinity, then the curve goes towards the y equal to mx plus c. कहने मतलब ऑब्लिक मतलब इंक्लाइंड है। अगर कर्व जो होता है वो इंक्लाइंडली जाता है और वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर फॉर्म गिवन हो उस वे में अगर जाता है, y equal to mx plus c के फॉर्म में जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या हो गया, ऑब्लिक असिम्प्टोट हो गया। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिक असिम्प्टोट। समझ में आई ये चीज़, ऑब्लिक असिम्प्टोट इसको बोला जाता है। अब देखो इस तरीके से ये कितने असिम्प्टोट हो गए, तीन असिम्प्टोट हो गए। तो असिम्प्टोट जो होते हैं वो थ्री काइंड्स के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है ऑब्लिक। अब क्या होता है, क्या इसकी रूपरेखा है, वो मैंने आपको इसमें समझा दी। अब देखो डिटेल में इसको आगे पढ़ते हैं और ज़्यादा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो दोस्तों, अगर मान के चलो इस तरीके से हमको कार्टेशियन दिया हुआ है और ये कार्टेशियन में किया गया है, ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन ली और ये इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो ये मैंने ले लिया वाई इजकल टू ए, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने, वाई इजकल टू ए ले लिया। तो देखो y इजकल टू, मैं देखो कार्टेशियन था y इजकल टू एक, मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली। मैं ये नहीं कह रहा ये टेंजेंट है, हाँ मैं लेकिन टेंजेंट की तरह इसको क्या कर रहा हूँ, लेके चलूँगा, बिकॉज मैं भी एक कर्व को ड्रॉ करूँगा। अब देखो मैंने एक यहाँ कर्व बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने एक कर्व क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, और मैंने ले लिया ये क्या है, y इजकल टू एफ एक्स है। ये कर्व क्या हो गया, y इजकल टू एफ एक्स है। अब देखना है इसको, तो y इजकल टू ए लेने पर अगर मैं y इजकल टू एफ एक्स यहाँ ले लेता हूँ, तो देखो x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो y क्या मिल रहा है, a मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि y इजकल टू ए की लाइन ये है, तो y इजकल टू ए मिलेगा कब, जब x टेंस टू इन्फिनिटी। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y इजकल टू क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो, ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से सेम मैं एक यहाँ पर फिर से ड्रॉ करता हूँ, क्लियर है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देख लो, जब x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा हूँ, जब x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा हूँ, तो y क्या मिल रहा है, फिर से a मिल रहा है। x देखो इधर भी x टेंस टू क्या जा रहा है, इन्फिनिटी, और x टेंस टू इन्फिनिटी इधर भी जा रहा है, तो दोनों की कंडीशन में क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिमिलरली उसी तरीके से एक कर्व मैंने यहाँ बना दिया, y इक्वल टू एफ एक्स वो क्या है, एक कर्व है, एक कर्व मैंने यहाँ बना दिया। अब देखो जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अगर जा रहा है, x टेंस टू अगर माइनस इन्फिनिटी अगर जा रहा है, तो y क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। बोलो जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो y क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। सिमिलरली जब x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अगर जा रहा है, तो y क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। बोलो y क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अगर
इतना होने के बाद में दोस्तों, ये अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जाने पर वाई इक्वल टू ए मिल रहा है, चाहे वो इस तरीके से जाऊँ, चाहे मैं इस तरीके से जाऊँ, और चाहे माइनस इन्फिनिटी लेके जाऊँ, तो वाई इक्वल टू मेरे को क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है, एन अलग किसी भी फॉर्म में अगर मैं चला जाऊँ तो भी। ठीक है जी, अब देखो, अब ये वाई इक्वल टू ए की लाइन है, तो एग्जैक्ट वाई इक्वल टू ए तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो वाई इक्वल टू ए की अगर ये लाइन है तो ये इससे ऊपर है ये वाला कर्व, तभी तो इसकी कर्व अप्रोच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर है, और ये इस कर्व इस लाइन के नीचे है तो ये ए माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इस लाइन के नीचे है तो ए माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ बनता है, देखो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, अगर ऐसा कुछ बनता है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो इस कंडीशन में वाई इजकल टू जो ए है वही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट्स होता है, क्लियर, हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट होता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी इसके लिए, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी अगर ऐसा हो तो वाई जो होता है, देखो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी तो जा रही थी दोनों कंडीशन में, इस तरीके से जाओ जाए इस तरीके से, और दोनों ही कंडीशन में अगर वाई टेंस टू अगर मेरे को ए मिलता है, यानी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल जाती है वाई की, तो इसी को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट्स बोला जाता है। आई थिंक दोस्तों ये आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि एजम्प्टोट्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल जो एजम्प्टोट होता है वो आता किस तरीके से, क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों वर्टिकल एजम्प्टोट, तो हॉरिजॉन्टल जो एजम्प्टोट है उसकी कंडीशन क्या हो गई, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर, यानी कि देखो लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर अगर वाई इक्वल टू ए मिलता है तो यही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट होता है। ये है कुल मिला के हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट की कहानी। अगर कभी निकालना हो वर्किंग मेथड क्या होता है इसका, यही होता है कि आपको लिमिट फाइंड करनी होगी एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एक बार, माइनस इन्फिनिटी पर, और किसकी फाइंड करनी होगी, एक वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की करनी होगी, और उस कंडीशन में अगर वाई इक्वल टू ए मिल जाता है आपको तो वही क्या है, हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट है। अब देखते हैं कहानी वर्टिकल एजम्प्टोट की, अब देखते हैं दोस्तों वर्टिकल एजम्प्टोट की बात करते हैं। देखो ऐसा कुछ है तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्टिकल अगर एजम्प्टोट की अगर बात करनी है तो अब जो टेंजेंट होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकली होगा। तो मैं पहले एक कोई लाइन ले लेता हूँ, लो इस तरीके से लाइन ले ली, ठीक है। अब ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन में हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए, क्लियर। किसी भी एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर मैंने ले लिया एक्स इक्वल टू ए। अब देखते हैं आगे इसकी कहानी को, देखो अगर मैं फिर से कर्व ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, तो पहला कर्व मैं लेता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स का कर्व हो गया। अब देखो जब वाई टेंस टू कहाँ जा रहा है, वाई टेंस टू इन्फिनिटी अगर जा रहा है तो एक्स क्या मिल रहा है हमको, ए मिल रहा है, बोलो सही है कहानी, दिख रहा है ना, वाई टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो एक्स क्या अप्रोच कर रहा है, ए मिल रहा है, अप्रोच कर रहा है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द दिस टेंजेंट एंड बिटवीन दिस कर्व इज गोइंग टू अप्रोच जीरो, यही मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, आप देख सकते हो जाके, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजेंट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, वैन द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व अप्रोचेज टू द जीरो, दैन वी कैन से दैट स्ट्रेट लाइन विल बी द एसेम्प्टोट, बिकॉज दैट इज अनोदर फॉर्म ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या मिल गया, अगर सॉरी ये एक्स टेंस टू क्या हो गया, ए हो गया। अब देखो दूसरा कर्व क्या हो जाएगा, इसी फॉर्म में इस तरीके से हो जाएगा कुछ। अभी ये क्या जा रहा है, देखो फिर से वाई जा रहा है नीचे, वाई टेंस टू अगर इन्फिनिटी जा रहा है दोबारा से, तो एक्स क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स टेंस टू ए, क्योंकि यही कंप्लीट लाइन किसकी है, ए की है, ये तभी भी तो एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, क्लियर है, सेम टू सेम। अगर इस तरीके से हो, अगर इस तरीके से हो तो देखो y टेंस टू इन्फिनिटी पर जब इन्फिनिटी जा रहा है तब x क्या मिल रहा है आपको, a मिल रहा है, जब y टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो भी a मिल रहा है, और जब y टेंस टू नीचे जा रहा है अगेन इन्फिनिटी पर तो भी x टेंस टू a मिल रहा है, ठीक है। अब बस पॉजिटिव नेगेटिव देख लो किस तरीके से करेंगे, देखो x टेंस टू a वाली लाइन ये है, अब ये आगे है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये पीछे है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो x इज इक्वल टू ए जो था ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा, कल एसिम्प्टोट हो जाएगा,
बोलो ये चीज़ समझ में आई क्या? ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए वर्टिकल असिम्प्टोट होगा व्हेन द वाई टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असिम्प्टोट की बात हो चुकी है और यही हमसे फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुल मिला के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से निकल के जो बातें आई हैं वो क्या हैं, इन शॉर्ट वो बता देता हूँ आप देखो, ठीक है ना। इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ भाई, तो जिससे आपको पता लग जाए। देखो x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए अगर y की वैल्यू क्या हुई, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और अगर x की, ये क्या था, x की प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए जब देखो इस तरीके से ऐसे याद रखना इशारों को, ठीक है ना, ऐसे जाने पर ही तो मिलता था वाई की कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती थी, तो वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी x की कांस्टेंट वैल्यू मिलती है कब, जब y टेंड्स टू इन्फिनिटी जाते हैं तब प्लस माइनस। देखो यहाँ पे ये तो हुआ था, y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी जाते हैं, तब यहाँ पर x ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, इसको बोला जाता है वर्टिकल असिम्प्टोट। यही इंपॉर्टेंट बात है, x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी जाने पर अगर y कोई कांस्टेंट स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए तो उसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है असिम्प्टोट। और अगर x की वैल्यू अगर कांस्टेंट ऑलरेडी आपको मिल जाए कब, जब y टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन वी कैन से दैट विल बी वर्टिकल असिम्प्टोट। आई थिंक दोस्तों ये डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा, और नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से पॉज करके या फिर से रिवाइंड करके आप फिर से देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी बहुत ग्राफ की बातें रहती हैं, तो अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को जरूर देखना, आपको 100% क्लियर होगा। तो असिम्प्टोट की जो मूलभूत जो चीज़ें थे वो मैंने आज आपको समझा दी कि ये होता क्या है और किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब क्वेश्चन तो कितने भी आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के पीछे की जो कहानी होती है वो ये होती है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन से आपको इसकी कहानी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी एकदम, ठीक है। देखो असिम्प्टोट आपको फाइंड करने हैं और फाई दिया हुआ है आपको क्या, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एंड वर्टिकल असिम्प्टोट। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की, क्लियर। तो देखो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट अगर मेरे को फाइंड करना हो तो मैंने आपको बताया था लिमिट कहाँ चेक करेंगे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर। देखो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर मैं वैल्यू निकालता हूँ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन की, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, क्या वैल्यू निकल जाएगी बताओ। ये तो आपने किए हुए हैं सब चीज़ें, लिमिट वगैरह तो मैंने आपको बता रखी है ना, तो क्या आ जाएगी ये, देखो चाहे डीएल से कर लो किसी से भी कर लो, या वैल्यू रखोगे तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा वन, नीचे भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा डीएल से, ठीक है। तो क्या मिलेगी यहाँ से, वैल्यू वन मिल जाएगी। लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ चेक करनी है, माइनस इन्फिनिटी पर, तो माइनस इन्फिनिटी पर अगर चेक करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली वन ही रहेगा, दोनों कंडीशन में लिमिट क्या हो गई, वन हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट अ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट फॉर द कर्व एंड इट्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, y, ये क्या है फंक्शन, y इक्वल टू वन, क्लियर। हैंस एग्जिस्ट हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट और उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू वन, क्लियर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब बात करता हूँ वर्टिकल असिम्प्टोट की, ठीक है ना। अब देखो वर्टिकल असिम्प्टोट मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए, y क्या होगा प्लस माइनस इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, यही तो होता है था। अब देखो y अनडिफाइंड मतलब कर्व अनडिफाइंड, अब कर्व क्या है ये अनडिफाइंड कब होगा, जब 1/0 की कंडीशन होती है, 1/0 ही तो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये सब क्या है कि ये जुगाड़ वाले काम है, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से अनडिफाइंड, अब ये y जो है वो कब अनडिफाइंड होगा, जब इसका डिनोमीटर 0 हो जाएगा। हैंस y क्या, देखो अनडिफाइंड किसी x की कॉन्स्टेंट वैल्यू तब मिलेगी जब किसी x की कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए y क्या होगा अनडिफाइंड होगा, तब वर्टिकल असिम्प्टोट आएगा। इसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं, ये हमको पता है ऑलरेडी, इसी वजह से इसको क्या करना पड़ेगा अनडिफाइंड करने के लिए, x प्लस वन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये तभी तो क्या होगा अनडिफाइंड होगा y, तो इससे यहाँ मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस वन, यानी x इक्वल टू माइनस वन के लिए दिस फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। दिस इज क्लियर नॉट, आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस विल बी क्लियर, दिस शुड बी क्लियर, क्लियर। अब देखो x इक्वल टू माइनस वन क्या हो गया, मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से लिमिट फाइंड करनी है, क्लियर। x टेंस टू किसके लिए, माइनस वन, और इससे एक बार पीछे जाएंगे तो माइनस वन जीरो,
और क्या किस पे एफ एक्स की, एफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन है आपका, बोलो क्लियर है। इसी तरीके से सेम किसके लिए करनी है, पॉजिटिव के लिए करनी है। अब देखो इसमें पुट करके रख दो क्या मिलेगा, देखेंगे। देखो इसके लिए क्या मिल जाएगा, ये माइनस वन की कंडीशन में ये कह जाएगा माइनस वन और माइनस वन और माइनस वन जीरो, तो ये कह जाएगा देखो माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस जीरो प्लस वन, यानी कि प्लस माइनस वन क्या होगा जीरो, यानी कि क्या मिल गया प्लस इन्फिनिटी मिल गया। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस वन की कंडीशन में रखूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन, यानी कि प्लस वन प्लस वन प्लस जीरो, सॉरी ये माइनस मिला था ना, तो ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस जीरो के लिए एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। फिर से तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन, दिस अगेन माइनस इन्फिनिटी। दिस इज क्लियर और नॉट? तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, तो कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। आई थिंक कोई दिक्कत होगी भी नहीं आपको। अब देखो ये आपको समझ में आया प्लस इन्फिनिटी कैसे आया, देखो माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस माइनस कैंसिल प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस वन का कैंसिल जीरो, माइनस माइनस के इन्फिनिटी, क्लियर। इसका मतलब हो गया हैंस एक्स इजकल टू माइनस वन इज द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल असिम्प्टोट, एक्स इजकल टू माइनस वन क्या हो जाएगा वर्टिकल असिम्प्टोट होगा, बिकॉज वाई टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एंड वाई टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एंड वैन वाई एंड वैन वाई अप्रोचेज टू द इन्फिनिटी फॉर द स्पेसिफिक एक्स वैल्यू, देन वी कैन से दैट एक्स वैल्यू विल बी द असिम्प्टोट या वर्टिकल असिम्प्टोट। आई थिंक दिस डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा वर्टिकल असिम्प्टोट हो जाएगा दोस्तों। आप इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहो तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो और ग्राफ इसलिए भी ड्रॉ कर सकते हो आप, बिकॉज ग्राफ इसलिए जरूरी हो जाता है कि मे बी क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है ना, तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन मिल जाती है तो आप ग्राफ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो दोस्तों मैं इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार, जिससे कि क्या है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास दो लिमिट मिल गई, कौन सी, हॉरिजॉन्टल भी मिल गई लिमिट मतलब असिम्प्टोट, और एक वर्टिकल असिम्प्टोट मिल गई। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो मिले वो क्या मिला था हमको, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर क्या मिला था, वाई इजकल टू वन मिला। वर्टिकल में क्या मिला, एक्स इजकल टू माइनस वन आया, कब, जब वाई टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। बोलो ये चीज़ में इसी के बिहाफ पे क्या बनाना, ग्राफ बनाना है। देखो सीख लेना अच्छे से, ठीक है ना। देखो ये वाली जो लाइन थी ये हो गई, अब वाई इजकल टू वन और एक्स इजकल टू माइनस वन, तो देखो वाई इजकल टू वन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये तो हुई एक्स इजकल सॉरी वाई इजकल टू वन, ठीक है ना, वाई इजकल टू वन, और एक होगी एक्स इजकल टू माइनस वन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, और माइनस वन देखो ये था ओरिजिन, ठीक है ना, ये वन टू थ्री फोर, और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, सिमिलरली वन टू थ्री फोर वगैरह। अब देखो x इजकल टू माइनस वन मतलब y एक्सिस के पैरेलल, यानी कि इस तरीके से दोनों लाइन क्लियर है अच्छे से। ये क्या हो गया, ये वन की लाइन होगी y इजकल टू वन टू, ये थ्री वगैरह, और ये इस तरीके से वन टू ये थ्री, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ये किसकी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई x इजकल टू माइनस वन की, और ये y इजकल टू वन के लिए हुई। अब देखो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को एडजस्ट करना है। देखो y इजकल टू वन जो है वो कब है, वो y इजकल टू वन कब है, जब x टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी हो, यानी कि इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में हो, इस कंडीशन में हो। देखो या तो ग्राफ ऐसे जाएगा या नीचे से जाएगा, समझ में आ रही है बात, या फिर ग्राफ ऐसे जाएगा, किसके लिए कर रहा हूँ, y इजकल टू वन के लिए, ध्यान से समझ लेना इसको। जब y इजकल टू वन है तो ग्राफ की कंडीशन दो होंगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए, या तो इस तरीके से जाए या इस तरीके से जाए, या तो इस तरीके से जाए या इस तरीके से जाए। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा, देखो कैसे आगे बात करते हैं। देखो अगर मान के चलो y इजकल टू वन है और ग्राफ मैंने ऊपर नीचे दोनों ले लिए सपोज करना, लेकिन हमको चाहिए भी क्या, x इजकल टू माइनस वन चाहिए, और x इजकल टू माइनस वन कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ग्राफ कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, ऊपर भी बन सकता था नीचे भी बन सकता था अकॉर्डिंग टू दिस, बट वी हैव टू कंसिडर ऑल्सो दिस। तो उसके लिए क्या करना है कि माइनस वन को भी देखना है, तो माइनस वन कहाँ से जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा,
सही है बात, क्लियर, क्योंकि x टेंस टू माइनस वन आल्सो वी हैव टू कंसिडर। तो इस तरीके से ग्राफ हो गया, पहला हो गया तो ऊपर वाला नहीं बनेगा यहाँ पे। चलो इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, देखो वही y इक्वल टू वन के लिए यहाँ पे भी बन सकता है और यहाँ से भी स्टार्ट हो गया, यहाँ तो यूँ हो जाएगा, यहाँ यूँ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको देखते हुए। देखो जब ग्राफ, अगर मान के चलो मैंने ले लिया y इक्वल टू वन के लिए, यहाँ से ले लिया, दोनों तरफ से ले लिया, अब y भी क्या है, ये तो x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, y टेंस टू इन्फिनिटी होगा यानी यूँ जाएगा या यूँ जाएगा, लेकिन कब, जब x टेंस टू क्या होगा माइनस के वन होगा, x टेंस टू क्या होगा माइनस वन होगा, और x टेंस टू माइनस वन इस केस के लिए कहाँ होगा, ऊपर होगा, ऊपर होने के लिए ग्राफ कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, समझ में आएगी बात। तो इससे क्या मिल गया, y टेंस टू वन, y अप्रोचेस टू द वन व्हेन द x गोज टू इन्फिनिटी एंड x टेंस टू माइनस वन, यानी कि ये जो माइनस वन की जो लाइन थी ये कंप्लीट वाली, इस पर कब अप्रोच करेगी माइनस वन पर, कब, जब y टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, तो ग्राफ नीचे वाला नहीं बनेगा। तो आई थिंक दोस्तों ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ग्राफ को डिज़ाइन करना, क्योंकि ग्राफ को भी पूछ सकता है कि कौन सा ग्राफ होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों। आई होप कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा सेमटोट का, और आगे भी इस पर क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और भी कन्फर्मेशन होगा किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। कोई डाउट हो कमेंट में करके पूछ लेना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।